नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फॉर्सी स्पॉट के बारे में आपको बताएंगे। ये फॉर्सी स्पॉट क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और ये एक्चुअली बीमारी है कि नहीं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते टॉपिक। फॉर्सी स्पॉट जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, आपने पहले कभी देखा होगा कुछ कुछ लोगों के लिप्स पे, यहाँ पे व्हाइट कलर का कभी कभी यानी सफेद या पीला कलर का छोटा छोटा बम्प्स दाने दाने देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ है इसको हम साइंस में फॉर्सी स्पॉट बोलते हैं या फॉर्सी ग्रानुल भी कोई बोलते हैं, कोई कोई इसको फॉर्सी ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों फॉर्सी बोलते हैं? क्योंकि जो पहले जो डॉक्टर ने इसको डिस्क्राइब किया था, जो डर्मेटोलॉजिस्ट ने, इसका नाम था फॉर्सी, तो उसने उसके नाम पर ये उसका फॉर्सी नाम ही रखा है। तो ये क्या है, ये क्यों होता है, इसका क्या रीजन है? ये एक्चुअली कोई बीमारी नहीं है, ये सेबासियस ग्लैंड है, यानी हमारा बॉडी में बहुत सारे ऑयल ग्लैंड रहता है, यानी जहाँ से सेबम ऑयल सीक्रेशन होता है, जो हमारा स्किन को नरम और मुलायम रखता है। लेकिन नॉर्मली हमारा ये जो लिप्स है, ये लिप्स में ये नहीं रहता है और ये जेनिटल एरिया में भी ये ग्लैंड नहीं रहता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का ये ग्लैंड यहाँ पे रह जाता है। और ये ग्लैंड जो ऑयल सीक्रेशन करता है, जो सेबम सीक्रेशन करता है, उसके वजह से ये पीला दिखता है या और कभी कभी ये वाइट दिखता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का लिप्स में पाया जाता है, किसी का एक दो मिलता है, किसी का ज़्यादा मिलता है, और किसी किसी का लिप्स के साथ साथ ओरल कैविटी यानी माउथ के अंदर ही भी, मुंह के अंदर देखने को मिलता है, और ये लड़का या लड़की के प्राइवेट पार्ट यानी जेनिटल में भी देखने को मिल सकता है। तो ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, ये ऐसा कोई अल्सर्स को बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी का लक्षण भी नहीं है, या ऐसा नहीं कि कोई दूसरा बीमारी इंटरनल है, कोई अंदर में कोई बीमारी है और उसका ये लक्षण है, ऐसा भी नहीं है। तो ये नॉर्मल चीज़ है, इससे कोई डरने वाला चीज़ नहीं है। क्या ये फॉर्सी स्पॉट पैदाइश होता है यानी सिंस बर्थ रहता है? हाँ, ये फॉर्सी स्पॉट एकदम जब बच्चा पैदा होता है तब से ही रहता है, लेकिन ये पता नहीं चलता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, प्यूबर्टी अटेंड हो जाता है, जब उस अडल्ट हो जाता है, उसके बाद ही ये देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी का जितना भी सेबेसियस ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, ये प्यूबर्टी के बाद जब मेल हार्मोन सीक्रेशन होता है, जो एंड्रोजन सीक्रेशन होता है, उस हार्मोन के इन्फ्लुएंस से, दबाव से, यानी उसके वजह से ये आपका फॉर्सी स्पॉट बड़ा हो जाता है, ग्लैंड बड़ा हो जाता है, और तब ये प्रोमिनेंट देखने को मिलता है। तो ये कौन कौन सा साइड में देखने को मिलता है, ऑलरेडी हमने बताया, जैसे लिप्स में देखने को मिलता है, कभी कभार मुंह के अंदर देखने को मिलता है, और पेनिस में और वजाइना में, ये सब प्राइवेट पार्ट में भी देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये लिप्स में जब रहता है तो सब लोग देते हैं, तो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होता है, यानी जो पेशेंट का इसका है तो उसको ख़राब लगता है, उसके लिए वो डॉक्टर पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। लेकिन जिन लोगों को प्राइवेट पार्ट में होता है, उनको लगता है कि कोई उनका STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया, उसके डर से वो डॉक्टर दिखाने आते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, यानी क्या प्रॉब्लम होता है अगर किसको इस फॉर्सी स्पॉट है। तो नॉर्मली ये सिम्टोमेटिक है, यानी पेशेंट को ना कोई दर्द होता है, ना कोई खुजली होता है, ना कोई तकलीफ होता है। जो होता है सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, यानी पेशेंट को लोग पूछते हैं कि ये होंठ में क्या हो गया, तो उसको खराब लगता है, तो इसीलिए वो डॉक्टर पास जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। और कभी अगर प्राइवेट पार्ट में है तो उसका जो अपोजिट पार्टनर है उसको पूछता है क्या हो गया है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कोई यौन रोग तो नहीं है, तो ये जो चिंता है उसके मन में, उसके लिए वो डॉक्टर पास ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। सच ऐसे उनको कोई तकलीफ नहीं होता है। तो ये डायग्नोसिस कैसे होता है? ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, यानी जब आप डॉक्टर पास आते हैं, जो स्किन का डॉक्टर है, ये देख के उसको इलाज कर लेते हैं। इसके लिए कोई भारी टेस्ट की जरूरत नहीं होता है, ना कोई बायोप्सी की जरूरत होता है, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। तो चलिए लास्ट में जानते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। नॉर्मली ये बीमारी तो है ही नहीं, इसीलिए हम ट्रीटमेंट के लिए किसी को एडवाइस करते नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसिस्ट करता है कि नहीं हमको ट्रीटमेंट कराना ही है, हमको इसको निकालना ही है, तो उस केसेस में पेशेंट को कुछ हम पहले क्रीम देकर ट्राई करते हैं, यानी जैसे कि रेटिनॉइड ग्रुप का मेडिसिन आता है, ट्रेटिनोइन, अडापालिन और टाजोरेटिन, ऐसे जो दवाई होता है, ये लगाने से आपका जो ग्लैंड है थोड़ा बहुत छोटा हो जाता है, एट्रोफी हो जाता है, यानी साइज छोटा होने के बाद ये कम दिखने को लगता है, लेकिन ये जड़ से इसको मिटा नहीं सकता है, क्लियर नहीं कर सकता है। ये लगाने के दवाई के साथ साथ एक खाने वाला दवाई भी अवेलेबल है, जिसका नाम है ओरल आइसोट्रेटिनाइन। ये ओरल आइसोट्रेटिनाइन जो दवाई है आपका ऑयल ग्लैंड को एट्रोफी यानी छोटा कर देता है, जो आपका सेबेसियस ग्लैंड को छोटा कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो फॉर्सी स्पॉट थोड़ा कम विजिबल लगता है। तो अगर जड़ से मिटाना है तो क्या प्रोसीजर है? तो इसके लिए आपको सर्जरी की हेल्प लेना पड़ेगा। सर्जरी में क्या क्या अवेलेबल है? फर्स्ट है
फ्रैक्शनल CO2 लेजर, ये एक लेजर मशीन है जिससे आपको ये ग्लैंड को हटा दिया जाता है। और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉटरी नामक एक छोटा सा डिवाइस रहता है, उससे वो धीरे धीरे इसको निकाल देते हैं। नहीं तो क्रायोथेरेपी यानी एक ठंडा स्प्रे देके उस ग्लैंड को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये सारा जो प्रोसीजर है इससे आपका ये ठीक किया जा सकता है। क्या कोई होम रेमेडीज अवेलेबल है इसके लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमने बहुत सारे यूट्यूब चैनल में देखा है, लोग लहसुन लगाते हैं, गार्लिक लगाते हैं, कोई कोई नींबू रगड़ने लगता है, तो ये सब चीज़ से आपका ये बिल्कुल ठीक नहीं होता है। लेकिन आपका जो लीफ ख़राब हो सकता है, आपका डर्माटाइटिस यानी यहाँ पे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के साथ आपका एक्जिमा हो सकता है, लीफ ख़राब हो सकता है, लाल हो सकता है, लेकिन आपका ये वाइट स्पॉट ठीक नहीं होता है। तो ये था डिटेल्स में फॉर्सी स्पॉट के बारे में। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको दूसरे के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे कमेंट करिए, इसका वीडियो हम आपको बना के देंगे। तो अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। नमस्ते, जय हिंद।